लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है। जैसे स्वीडन में लिंग अनुपात 1006 है, जापान में 1057 है, नेपाल में 1073 है, जबकि भारत में यह 940 है। सामान्य रूप से किसी स्वस्थ समाज में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर किसी समाज में यह अनुपात कम है तो इसका मतलब है कि वहाँ की बालिकाओं व महिलाओं के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण वे कम जीवित रह पाती हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 है। इसका अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर 940 ही स्त्रियां हैं। इस लिंगानुपात में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। एक तरफ कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा लिंगानुपात है, जैसे केरल 1084, तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 991 और छत्तीसगढ़ 991। वहीं हरियाणा 877, गुजरात 912 और राजस्थान 926 में राष्ट्रीय औसत से भी कम लिंगानुपात है। इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर है और इसे सुधारने के लिए हम योजना बना सकते हैं। भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में लंबे समय से कम हो रही है, जो समाज में स्त्रियों के प्रति बढ़ते भेदभाव की तरफ इशारा करती है। शिक्षा एवं विकास के मामले में स्त्रियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि इस भेदभाव का प्रभाव सबसे अधिक छोटी उम्र की बालिकाओं पर पड़ रहा है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बालक बालिका का अनुपात 1000 प्रति 914 है। हमने देखा कि देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। केरल, तमिलनाडु आदि को देखें तो वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, समाज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका, आर्थिक स्वावलंबन आदि ऐसे कारक हैं जिन्होंने इन राज्यों में लिंगानुपात को उच्च बना रखा है। इसके विपरीत देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां यह अनुपात चिंतनीय दशा में पहुंच गया है। उत्तर एवं पश्चिम भारत के अधिकांश राज्यों, मसलन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में पितृप्रधान समाज महिलाओं के लिए उपलब्ध कम आर्थिक अवसर, ऐतिहासिक काल से चली आ रही असमानता आदि कारकों के चलते लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। यहाँ लिंगानुपात 991 है। बस्तर जैसे प्रायः जनजाति बहुल जिलों में लिंग अनुपात 1000 या उससे भी अधिक है, जबकि बिलासपुर जैसे मैदानी जिलों में अपेक्षाकृत कम है। लेकिन यहाँ भी 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात लगातार गिर रहा है। 1991 में 984, 2001 में 975 एवं 2011 में 964 लिंगानुपात रहा। इस प्रकार हमारे प्रांत के लिंगानुपात के आंकड़े एक तरफ जहां महिलाओं की अच्छी स्थिति को बयां करती हैं, तो दूसरी तरफ 0 से 6 आयु वर्ग के आंकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहां भी पिछले 3 दशकों में बालिका शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है और इस आयु वर्ग के लिंगानुपात में कमी आती जा रही है। इन आंकड़ों से एक ओर लग रहा है कि महिलाओं व बालिकाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर हो रही है, मगर साथ साथ आधुनिक तकनीकों के गलत उपयोग से बालिकाओं को पैदा होने से ही वंचित किया जा रहा है।